हेलो। हाँ हेलो जी। सर, ये जो आप वीडियो डाल रहे हो, जी क्या क्या ये आप सही करते हो? हुआ? नहीं, आप यादव के खिलाफ जो वीडियो डाल रहे हो कि यादव ये है यादव वो है, सही जानकारी आपको है? सही जानकारी कौन दे रहा है भाई, बताओ पहले। नहीं तो आप लोग वीडियो में डाल रहे कि यादव ये सही हैं जानकारी यादव मेरे वो ख्याल हैं, से वो या और ओम यादव दे कृष्ण रहा है। जी क्षत्रिय के कुल में पैदा लिए हैं, तो वो क्या यादव नाम का है आपका? पालन विकास, पोषण किया। मेरा नाम विकास, विकास यादव। तो नहीं यादव नहीं हूं, कौन हो, मैं दूसरा कास्ट हूँ, भूमियार। कौन से कास्ट हो? भूमियार। भूमियार हाँ, अच्छा, विकास भूमियार जी। तो तो आप विकास, ये बताइए। अरे मेरी नहीं बात तो नहीं सुन लो पहले, अभी अपनी बोले जा रहे हो। तो हाँ चलिए, आप तो विकास, सभी तो सुना, तो आप हमको भी सुना दो। हाँ बोलिए। विकास भूमियार जी, जो ओम यादव जो वीडियो बनाता है वो ठीक बनाता है वीडियो? नहीं हाँ, जो देखिए, अब मैं आपके से एक बात पूछता हूँ, मेरे को एक बात मैंने जो बताइएगा। पूछा है आपने जवाब नहीं दिया। अरे अरे भाई साहब, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका मुझे जवाब दीजिए, फिर आप बोलिएगा। भाई, मैं तुम्हारे तो जवाब एक दे रहा बात हूँ। बताओ कि अगर हम गाय के बच्चे को भैंस का बच्चा कहेंगे, कोई मानेगा? तो कैसे मान लेगा यार, हद क्या कर देते मुझे तो कैसे हाँ? मान यार लेगा हद, ऐसे? तो फिर आप जो वीडियो बना रहे हो, पता है यादव के शरीर में आग लग रहा है। हम जब क्षत्रिय कुल से शुरू से हैं, आप इतिहास पढ़े हो? अरे ये बताओ मुझे कि अगर नहीं, मैं, आप सुनो इतिहास पढ़े हो तो आप किसी के कुल की तुम विकास, बात छेड़ रहे विकास हो, भूमियार आप जी, अपने कुल को बोलिए। जैसे आपने उदाहरण दिया ना मुझे कि अगर हम जो है भैंस के बच्चे को गाय का बच्चा बोलेंगे तो को मतलब मान लेगा क्या है, ये बोला ना आपने। हाँ, आपने कितना बढ़िया, कितना सुंदर उदाहरण दिया है। आपको पता है कितना बढ़िया उदाहरण दिया आपने। जी आप हाँ, इसी वही तरह तो से कहने। मुझे मुझे ये बताओ कि अगर हम किसी भी आदमी को, दुनिया के किसी भी आदमी को, इवन भारत के किसी भी आदमी को अगर हम लाके खड़ा कर दें और सामने एक यादव खड़ा हो और एक ब्राह्मण खड़ा हो, एक क्षत्रिय खड़ा हो, तो वो पहचान लेगा तीनों में से कौन कौन है नहीं बिना नहीं बताए? देखिए, जो आप अरे देखिए, बिना सुनिए बताए नहीं कोई सुनिए, विकास पहचान पाएगा। भूमियार मैं क्या जी, कह रहा हूँ, विकास भूमियार बिना जी, बताए मेरी बोलिए। बात सुनिए। विकास भूमियार जी, आपने जो कहा है ना, अगर मैं एक गाय के बछड़े को और एक भैंस के बछड़े को खड़ा कर दूं, तो दुनिया के किसी भी आदमी को लाके खड़ा कर दीजिए, वो बता देगा कि कौन सा गाय का है और कौन सा भैंस का है। बता लेकिन बता देगा ना, लेकिन आदमी में जो तो है कोई बता सकता है क्या? नहीं जी, आर्मी में भी है, क्योंकि क्षत्रियों का पहचान है, बस जहां एक अब बार अगर एक वो खड़ काम जाता करो, है आप ना, कितना पढ़ा लिखे हो ये वो बताओ, दस पे भारी पड़ेगा, आप कितना उनके पढ़े लिखे खून हो में ही होता भाई, है। खून में है हाँ, वो, मुझे छोड़ो। पढ़े अब लिखे से मायने नहीं होता, अरे पढ़ा लिखा यार, जो अनपढ़ वाली बात करे वो सबसे बड़ा बेवकूफ होता है, अगर अनपढ़ पढ़े लिखे से ज्यादा अगर बात करता वो समझदार था। पढ़े लिखे को कभी मत सुनो, लेके चलिए। मेरे मैं यहाँ आपकी जो हर है, एक वीडियो में देख के, हर एक लोगों से बात किया हूँ, आप ऐसी ऐसी बातें करते ना कि कोई भी यादव अगर सुनेगा ना, तो उसको, अगर आप उनकी तुम पीढ़ियों पे उंगल उठा रहे, भाई हम यादव के साथ रहते हैं, उनका रहन सहन पालन पोषण सब कुछ देखे हैं, और यादव अच्छा क्या कैसे है वो होते खुद हैं, बताते हैं, उनकी कैसे होते पीढ़ी हैं, कभी नहीं। कैसे चलो कैसे होते होते हैं, हैं, हाँ कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बताइए, कैसे होते हैं? अब आप ही तो बता अगर रहे हो हम, मुझे। आप मेरी बात सुनिए, आप जो लिखो यादव, ये बात बताओ यादव और राजपूत कौन है? विकास भूमियार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि जो यादव पूछ जो है रहा हूँ, मेरी उनकी बात, क्वालिफिकेशन क्या मेरी है? बात नहीं, मेरी बात का, हर एक बात का जवाब दीजिए। आप तो हर एक से पूछते हैं, लेकिन मेरी बात का जवाब दीजिए कि यादव राजपूत कौन है? कोई नहीं है, इंसान है। इंसान? इंसान तो सभी इंसान है भाई साहब, यहाँ से स्वयं जब भगवान धरती पर पैदा लिए वो भी इंसान थे, लेकिन उनकी कर्मात्मा अलग थी अच्छा ना, ये हर एक बताइए, इंसान की कर्मात्मा अलग है ना, मैं ये इसका बोल रहा हूँ मतलब कि क्या है कि इंसान है, सुनिए मैं बोल रहा हूँ कि इंसान है और आप बोले क्षत्रिय है, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना आप। अब इस बात का निर्णय तो कोई तीसरा आदमी कर सकता है, उसको किसी विदेश से किसी आदमी को बुलाओ जिसको पता ही ना हो, उससे पूछते हैं कि भाई हम दो आदमी खड़ा कर देते हैं, तो वो पहचान लेगा, नहीं बता देगा बात कि इंसान है बात क्षत्रिय है। हाँ नहीं, ऐसे कोई नहीं पहचानेगा। जो मैं पूछ, जब जब ये आप तुम्हारे बात साथ कह रहे हैं, तो पहचान लेगा, किसी मतलब की तुम जो किसी कहोगे को वो पी, पहचान ले, नहीं 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 तुम बताओ तो मैं पहचान नहीं, ले, मेरी और वो बात ऐसे कोई सुनिए, नेचुरली को बताए तो वो ना ऐसे बचलेगा। तुम रहने दो यार, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे माइंड में जो है नहीं, कीड़ा घुसावा जाती बात का, छोड़ो अभी मैं मेरी बिजी बात, हूँ, नहीं कोर्ट नहीं में हूँ, बाद में बात मेरी करना। एक मिनट बात नहीं मेरी एक मिनट बात सुनिए पहले। हाँ जी, मैंने आपको फोन किया था ना सवेरे, हाँ तो वही मैं बात के लिए आप फोन किया, आपने बोला था ना शाम को फोन करना। बताइए। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे इसका सलूशन बताएं, ये जो वीडियो सुबह बना रही है किस लिए बना रहे हैं? हमारी क्या बात हुई थी? यही बात मैंने आपसे पूछा था ना, कि ये आप ये जो वीडियो आप बना रहे हैं, आप उनको टारगेट करके, इससे लाभ क्या है, सुबह लाभ जो बताएं। मेरी, सुबह जो मेरी और आपकी बात हुई थी उसमें कुछ हाँ आपको जी याद है?
हाँ मुझे याद है जो मैंने बोला था, मैंने यही बोला था कि आखिर हम बोलेंगे गाय के बच्चे को कि भैंस का बच्चा तो कोई मानेगा? फिर मैंने आपको क्या समझाया था, कुछ वो याद है? जी मेरे को याद है, तो वही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप मुझे रीजन बताना, मैंने आप आपको वीडियो क्या बनाते समझाया था, हैं क्या समझाते हैं आपने? वही तो आपने पूछ यही रहा हूँ। बताया था कि तीन इंसान हैं, तीन इंसान को खड़ा कर दो, यादव राजपूत और भूमिहार को, तो उसमें सर कैसे किसको पता लगेगा कि कौन है? ठीक है, इंसान में किसी को नहीं पता लगता, लेकिन इंसान के रहन-सहन से, उसके चाल चलन से पता लग जाता है हर एक इंसान को कि ये कौन सी नस्ल का इंसान है। क्या नस्ल किसी को नहीं पता लगता? मैं विकास भूमियार जी, जी मैं आपसे वही बात कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि चाल चलन, रहन सहन, पहनने ओढ़ने से इंसान की पहचान हो सकती है कि वो कौन सी जाति का है, ये कह रहे हो ना आप? हाँ, इतना तो इंसान अनुभव लगा ही लेता है, क्यों नहीं, बिल्कुल। क्या आप जो मान कह लीजिए रहे 100 में हैं, से क्या आप जो जी कह रहे हैं वो पूरा सत्य है? ये सर कभी बिल्कुल भी किन्हीं भी हंड्रेड परिस्थितियों में इसको जो है खरा आप उतार सकते हैं कभी भी? देखिए, खड़ा नहीं उतार सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि इंसान की बोल बानी से पता लग जाता है कि इंसान क्या है। क्यों विकास भूमिहार जी, नहीं पता कसौटी किसे लगेगा? कहते देखिए हैं? कसौटी किसे कहते हैं? कसौटी, आप बताइए ना किसे कहते हैं? हमें नहीं पता, आप बताइए। कसौटी, कसौटी कहते हैं पैमाने को, ठीक जी है? पैमाना क्या होता है, मापदंड क्या आप ही होता है? बताएं। कि मापदंड वो होता है कि जो हर परिस्थिति, हर काल, हर देश में जो है, हर जगह एक जैसा प्रभाव दे, ठीक है? अगर आपने जो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र को पहचानने की जो कसौटी बताई है, अगर वो कसौटी ठीक है, तब तो ये कहा जा सकता है कि हाँ ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अगर वो कसौटी जो है फेल हो जाती है, तो वो कसौटी जो है बेकार है, उसको नहीं मानना चाहिए। ये बात ठीक है या गलत है? नहीं, आप जो बोल रहे ठीक है, मैं आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन आप इतना तो जरूर जानते हैं कि किसी भी इंसान के अगर अभी तक बच्चे मैंने होते जो हैं, आपको समझाया है वो बात आपको समझ में आई है क्या? मैं आपके समझ बात समझ लिया हूँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो सुनेंगे मेरी बात। आपने मान लीजिए कि आपके दो लड़के हैं, जरूरी है कि दोनों एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या कि वो आपकी संतान नहीं होगी? ये हमने कब कहा? तो फिर आप इसी बात को जो कह रहे हैं, इसी बात का तो मैंने भी उत्तर पूछा कि ठीक है, आप जो कह रहे हो कि आप पैमाना दे रहे हो कि वो चीज परफेक्ट ही उतरेगा, मानते हैं कि परफेक्ट नहीं उतरेगा, तो 100 में से 10 इंसान की नहीं पहचान होगी, तो 90 की तो पहचान होगी ना। लेकिन जो आपने उदाहरण दिया था भैंस का और गाय का, जी तो भैंस और गाय का जब आप पहचान करने जाओगे तो 100 आदमी को, 1,000 आदमी को, 1 लाख आदमी को, 1 करोड़ आदमी को आप दिखाओगे, तो वो भैंस को भैंस बोलेंगे और गाय को गाय बोलेंगे। हाँ, तो इसी बात को मैं कह रहा हूँ ना प्रभु जी लेकिन लेकिन आपसे कि लेकिन सुनो मेरी बोलिए बात, सुनो सुनो, बोलिए बोलिए। लेकिन आप 1 आदमी को, 1,000 आदमी को, 1 लाख आदमी को, 1 करोड़ आदमी को, आप जो है 3-4 इंसानों को खड़ा करके और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की पहचान नहीं करवा सकते हो। आप एक सिम रास्ते हो, आप उसमें 100% फेल होंगे। आप जो है हाँ जी, मैं मानता हूँ ऐसे। जब देखिए मानते हो तो यार तुम इंसान, इसके पीछे क्यों पड़े हो भाई? भाई देखिए क्यों नहीं पढ़ेंगे, अगर किसी भी इंसान को गुस्सा आएगा, आप क्यों नहीं किस बात को समझते हैं? अच्छा मान मुझे लीजिए ये कोई बताओ, भी, मैं अच्छा बात मुझे ये सुनिए, बताओ, आगे तुम मेरी बात मेरी सुनिए। बात सुनो पहले। तुम जो है कौन से खानदान में जन्म लियो, कौन सी जाति के खानदान में जन्म लियो तुम? कौन से जाति के खानदान में जन्म लिए? हाँ हाँ, तुम्हारा जो परिवार है उसकी जाति क्या है? तुम्हारे परिवार की जाति क्या है? नहीं, परिवार की जाति की छोड़ी, जो मैं वर्ण बात क्या हुई था उसकी है? बात ही। तुम्हारे परिवार का वर्ण, वर्ण क्या है? मेरा वर्ण छोड़िए, जो मैं जिसकी बात करूं उसकी बात अब कीजिए, उसी पे तो तुम बात कर रहे हो और लंबा उसको इधर छोड़ उधर दें। मत खींचे, पर मैं शॉर्ट कट में छोटी सी जब मैं बातें पूछ छोड़ने की रहा बात कर रहा हूँ हूँ। तुम पकड़ने की बात करते हो, और जब मैं पकड़ने की मैं बात कर रहा पकड़ना हूँ तुम नहीं, छोड़ने की बात कर रहे हो। अब मैं पूछ रहा हूँ नहीं देखिए आपके पता परिवार क्या, का वर्ण। मैं आपके वीडियो देखा हूँ कुछ ही अरे आपसे, भाई, कुछ ही पता नहीं, अनाड़ी यादव भी आपसे बात किए थे, उनको पता नहीं अपने कुल का पता होगा भी अब कि नहीं भी आपकी भी होगा, ये ऑडियो लगेगी तो लेकिन लोग बोलेंगे कि ये नाड़े आदमी है, क्योंकि आप बात को समझ नहीं रहे हो। आप उदाहरण दे रहे हो गाय का और भैंस का और नहीं, इंसानों में आप उसको लागू कर नहीं, रहे हो। आप नहीं, लेकिन आप ये रिकॉर्डिंग मेरा कृपया है कि इसको यूट्यूब पे ना डालें, ठीक नहीं, है? वो डालेगी डालेगी लेकिन तो बाद में डिसाइड होगा। पहले ये बताओ आप कौन से वर्ण से संबंधित रखते हो।
नहीं, मेरी मत पूछिए, मैंने कहा ना, मैं जिस पीजी में अच्छा बात करने, आप उसकी बात कीजिए, मेरी मत पूछिए। क्योंकि अच्छा देखिए, क्या कोई बताइए, भी क्या इंसान क्या, वीडियो अच्छा पूछता है तो यूट्यूब एक ऐसी चीज है ना कि हर एक इंसान देखता है। ये क्या बताइए झूठा क्या पूछ रहे हैं आप, प्रोपेगेंडा पूछिए फैला आप रहे हैं, जल्दी सही से, फिर प्रोपेगेंडा इसको खत्म फैला करें रहे बात हैं। को, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता ज्यादा, जो है मेरे पास आपको भी क्या टाइम नहीं पूछना होता, है। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे साथ भी इतने यादव हैं और राजपूत भी हम भी रहते हैं, तो आज तक तो हमको नहीं पता लगा कि यादव शूद्र आप में तो आते, यादव छोटे नहीं है जाति में ना आते हैं। नहीं, हम आप, नहीं है तो तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है ये बताओ पहले। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगी यार? किसी के हम बारे में अगर गलत ठहराएंगे तो सही इंसान का मायने क्या होता है? सही इंसान आप बोल रहे हैं ना, सही इंसान का मायने क्या कि हम किसी को गलत करके उसको पलट दें? अच्छा तो आप यादव नहीं है फिर कौन है आप? मैं जो पूछ रहा यार, आपको बताया तो हूं मैं, आपके बार बार बताऊं आपको, मैं नहीं जो कह वर्ण रहा हूं कौन सा उसका मुझे आपका, उधर भूमियार, भूमियार जो कौन बस से वर्ण में आते हैं? चार वर्ण है हिंदुओं के जो है, इंडियो के चार वर्ण नहीं, हाँ ठीक है, चार वर्ण आते हैं, तो चार वर्ण चारों में से छोटे, कौन लेकिन से में आपको आते इतना हैं बताया, इतना समझ, आप? शुद्ध वर्ण में आते हैं, कौन से में आते हैं आप? आपको मालूम नहीं भूमियार किस में आता है? नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैं तो चार वर्ण जानता हूँ खाली जो है, जब उसके आप अलावा नहीं जानता अच्छा मैं, चार वर्ण आप जानते हैं वो भी हिंदुओं तो के धर्म ग्रंथों के अनुसार, मेरे अनुसार कुछ वर्ण नहीं अच्छा है। तो अच्छा हिंदुओं मुझे के ग्रंथ। मुझे कृपा करके बता दो कि तुम्हारा जो भूमियार जो जाति अच्छा है ठीक वो है ठीक कौन है से वर्ण में आती ठीक है? है, मुझे यही बताए, ठीक है कि जी आप चार वर्ण कह रहे हैं, कौन से ग्रंथ में आपने पढ़ा ये? भाई अब ये कौन से ग्रंथ में, क्या रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, गीता पढ़ लो, हर एक में तो लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ कि जिसको हम जिस काम के लिए बना दिया वो वही हो गया? अब यार तुम उसकी बात मत करो, अभी फिलहाल तुम ये बताओ तुम कौन से वर्ण में आते हो, देखिए शूद्र में मेरी आते हो, बात मत वैश्य में कीजिए, आते मैं हो? या सूत्र छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूँ उसकी बात कीजिए, मैं छोटा सा बात कहीं यहीं से क्लिप करके बस खत्म चलो करें, बाकी छोड़ो इसको यार, लंबा तुम चौड़ा करने बात का नहीं कोई फायदा करोगे, नहीं। तुम बात बिल्कुल नहीं मैं जो करोगे। पूछ रहा हूँ बताइए, नहीं मेरे कास्ट को क्यों छेड़ रहे हैं? जो मैं जिस कास्ट की बात करूँ उसकी बात कीजिए ना पहले। अब तुम अपनी बात करोगे तो भी तो पता लगेगा कि तुम क्या चाह रहे हो। हम आपकी यही बात कह रहे हैं यादव की, जो क्लिप आपने हमने यादव पे यादव डाली थी, को, यादव क्लिप करे तो। ना क्षत्रिय हाँ बोला है ना शूद्र बोला है, हमने उनको इंसान बोला है। और कोई आदमी क्यों? उनको अगर बोलता है क्षत्रिय है तो महापापी है, शूद्र बोलता है अच्छा तो महापापी है, उनको इंसान बोलता है तो ठीक ठाक है, सीधी सी अच्छा बात मेरी है। बात सुनिए, देखिए धरती पे ना एक बात, एक मेरी छोटी सी बात आप सुन लीजिए, बहुत रिक्वेस्ट है, इस धरती पे सभी इंसान है और सभी इंसान का एक पहचान है, जिस पहचान से उसे कोई काम मिलता है या कोई काम करता है, बस ये पहचान होती है एक इंसान इस की। पहचान से जो झगड़े भी होते हैं, नहीं होते, क्यों नहीं होंगे क्यों तो होते उसको झगड़े, क्या आप वो बराबर कर देंगे? झगड़े क्यों आप होते हैं बराबर बताओ कर पहले, देंगे? तो आप वो उसे झगड़े बराबर क्यों कर होते देंगे? हैं? इस पहचान के ना, इस पहचान के कारण जो है एक आदमी दूसरे आदमी भेदभाव करता है, नहीं करता? तो क्यों नहीं कर गई तो तुरंत ये बात सुनिए, आपके कहने भेदभाव, से खत्म हो भेदभाव जाएगा? नहीं, जिस जिस कारण से भेदभाव होता हो उस कारण को नष्ट करना चाहिए या उसको बढ़ाना चाहिए? अच्छा नष्ट करना चाहिए भेदभाव को, तो आप सबका नष्ट कीजिएगा कि एक ही का नष्ट कीजिएगा? अरे हम किसका और भैया, एक का क्यों बोल रहे हैं, हम सबका बोल रहे हैं। आपके नहीं, आपका नष्ट करने से ये नष्ट हो चलो ठीक जाएगा? है, आप और मैं शुरुआत करते हैं, छोड़ो यार बात को जो है, क्यों इतनी लंबी बात करें, इतनी बहस करें ना, आप वर्ण को इस्तेमाल करो ना हम करेंगे इस्तेमाल, ठीक है ना? हम लोग जो है अभी अभियान चलाएंगे कि ये पता जो वर्ण क्या, व्यवस्था है इसको खत्म करना है, ठीक कभी है? आपके नहीं, आपके खत्म करने से कभी ना होगा ना होने देंगे, अरे तो ऐसा तो भाई आप तुम भी सभी साथ को आओ बराबर कर ना, दो पहले दोनों बात। मिलकर करेंगे नहीं क्यों, आप अपने पांचों उंगल को काट के बराबर कर दीजिए, देखिए मुट्ठी बनता है। यार। तुम हमेशा उल्टी बातें क्यों करते हो, कभी मतलब गाय आप भैंस की बात करते हो, आप उल्टी कोई बातें कर रहे उदाहरण हो भाई दोगे तो साहब, कम से आपको कम तो जो मैं, तर्कसंगत उदाहरण दोगे या वैसे ही उलझुल उदाहरण दोगे? अच्छा मेरी एक बात सुनिए, आपको चलो फिर ठीक एक है, छोड़ो उदाहरण दे यार रहा अब हूँ छोटा छोड़ो, सा, एक मैं छोटा तुमसे सा और बहस नहीं उदाहरण लो, करना भाई, छोड़ रहने दो, एक अब मत छोटा फोन सा करना। उदाहरण तो लीजिए, एक